हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरव्यू नोवल। यह सोलेंड नोवल की समरी पर बेस्ड पार्ट 54 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। टांसन की दसों सोल रिंग फ्लैश होती हैं, जिनमें गॉड लेवल की सोल रिंग भी शामिल होती है। वास्तव में टांसन ने गॉड लेवल पावर पर ग्रेट सुमेरु हैमर की स्किल रिंग डेटोनेशन का यूज किया। गोल्डन ट्राइडेंट हवा में एक इल्यूजन की तरह दिखाई दिया, जो तुरंत ही काउंटलेस ट्राइडेंट की शैडो में बदल गई। गोल्डन 13 हालवरेट्स 13S1 टांसन के आसपास सी गॉड की पावर किसी ज्वालामुखी की तरह फट गई, क्योंकि दसों सोल रिंग में एक साथ विस्फोट हुआ होता है। अब यह पावर कितनी भयानक हो सकती है, मेरे ख्याल से शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस भयानक पावर के कारण सन एंजल की भयानक एनर्जी भी आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। आसमान में एक ठंडी लेकिन दुख भरी आवाज़ गूंज उठती है। टांसन की पूरी बॉडी सी गॉड रेमंड के साथ अजीब तरह से येलो क्रिस्टल में बदल गई। लाइट का एक जाइंट येलो पिलर अचानक उससे निकलता है, जो सीधा ही जाइंट सन गॉड की ओर एम करता है। शुरुआत में वाटर और फायर ने एक दूसरे से मुकाबला किया, और जब सी गॉड की एनर्जी क्यान रेनुक्स के सन गॉड से टकरा गई तो हवा में एक काफी बड़ी शॉक वेव जनरेट होती है। लाइट का एक हीटेड व्हाइट सर्किल बनता है। जहां पर दोनों एनर्जी का टकराव हुआ होता है, वहां हवा भी 500 मीटर तक बुरी तरह से गर्म हो जाती है, जबकि विस्फोट और भयानक होता है। जमीन पर 90 रैंक से कम वाले व्यक्ति हिल भी नहीं पा रहे होते हैं और जमीन पर घुटने टेक देते हैं। सन गॉड गायब हो जाता है। उस काफी बड़े पिलर का 1/3 हिस्सा अभी भी बचा हुआ होता है। टांसन ने क्यान रेनुक्स के इस अटैक को रोक दिया, लेकिन पीछे से बीबीडोंग का राक्षसा स्किथ आ रहा होता है, जिसे रोकने के लिए 8 विंग्स मुड़ते हैं। लेकिन राक्षसा गॉड की भयानक पावर से कंडेंस हुए इस वेपन को रोकना इतना आसान भी नहीं है। पिछली बार की तरह भयानक एनर्जी की वेव उठती हैं। टांसन के 8 वैंक्स कुचले जा चुके होते हैं। यह उस अटैक को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। इससे बचने के लिए टांसन केवल इतना ही कर सकता है, वह उस अटैक को अपने दिल की जगह कहीं और ले। और टांसन ने ऐसा ही किया होता है, वह स्टेप मूव होता है। डार्क पर्पल लाइट के हिट करने के कारण टांसन की राइट बैक का हिस्सा गायब हो जाता है। फिर टांसन के चेस्ट के राइट आर्मर को भेदते हुए राइट साइड के चेस्ट से बाहर निकल जाता है। टांसन अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा होता है, जिससे टांसन आगे की ओर झुक जाता है। इससे टांसन की एनर्जी का जो हिस्सा बचा हुआ था वह क्यान रेनुक्स पर पड़ता है, जिससे क्यान रेनुक्स का लेफ्ट हैंड इवेपोरेट हो जाता है। साथ ही भारी प्रेशर के कारण दूर फेंक दी जाती है। बीबीडोंग गुस्से में टांसन को गाली देते हुए चिल्लाती है। इसी के साथ डार्क पर्पल स्ट्रिंग्स ने हवा को काटते हुए एक ही पल में क्यान रेनुक्स के चारों ओर घुमावदार तरीके के साथ क्यान रेनुक्स को वापस खींच लिया होता है। इविल गॉड के रूप में भी बीबीडोंग के दिल में ममता जाग गई होती है। बीबीडोंग ने जब क्यान रेनुक्स को देखा तो वह पहले ही बेहोश होती है। यहाँ तक कि बीबीडोंग की गॉडली पावर भी उसे ठीक नहीं कर सकती है, वह खुद से ही ठीक हो सकती है। ठीक इसी समय बीबीडोंग के राइट हैंड से डार्क पर्पल लाइट की एक रिंग फटते हुए दिखाई दी। उसने राक्षसा स्किथ को टांसन की बॉडी से खींचने का एहसास कराया, जो उसमें विस्फोट करके टांसन को मारने की कोशिश कर रही होती है। टांसन के हाथों ने अचानक उसकी चेस्ट से निकलते हुए ब्लेड को पकड़ लिया, और तुरंत ही हाथों में डिवाइन पावर कंडेंस होती है, जिसने बीबीडोंग को ऐसा करने से रोक दिया होता है। इस समय टांसन को भी ठंड लगने के साथ बर्फीला एहसास हो रहा होता है। हालांकि टांसन ने क्यान रेनुक्स को एक प्रकार से मार ही डाला है, वह ठंडक तेज होती जा रही होती है, मानो वह टांसन की सोल को निगल जाएगी। टांसन ने उस जाइंट राक्षसा स्किथ को पकड़ते हुए धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया होता है। सी गॉड रेमंड के खिलाफ उस सिकल्स से आने वाली भयानक आवाज ने सबको झकझोर कर रख दिया होता है। टांगहाउ चिंता में जियलिंग पास से जमकर छलांग लगा रहा होता है। बीच में ग्रेट सुमेरु हैमर का यूज करते हुए अपने क्लियर स्काई हैमर को बाहर फेंक दिया, पूरे 9 रिंग के विस्फोट के साथ बीबीडोंग पर अटैक किया। ग्रैंड मास्टर भी गुस्से में होते हैं, उनके नाखूनों से खून बह रहा होता है। उन्होंने गुस्से में अपने ही नाखूनों को नोच लिए होंगे, क्योंकि वह टांसन की हेल्प नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ बॉन अंकल अपनी 9th सोल टेक्निक जाइंट डिवाइन बॉन ड्रैगन के साथ
उड़ जाते हैं। उसी के बैक पर स्वॉर्ड अंकल भी होते हैं। दीवारों के ऊपर से 7 कलर की लाइट निकल रही होती है। निंग फिंग जी भी सपोर्ट करते हैं। बिविडोंग के पास से तांगसन को छीनने का उनके पास केवल एक ही मौका होता है। बिविडोंग का राइट हैंड अभी उस राक्षसा स्किट को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके चारों ओर डार्क पर्पल स्ट्रिंग्स क्यान रेनुक्स को विलियाना की बाहों में दे रही होती है। साथ ही लेफ्ट हैंड हवा में फ्लोट हुआ और डार्क पर्पल लाइट की एक रे तांगहाउ के विस्फोट वाले क्लियर स्काई हैमर से टकरा गई, जिससे चारों ओर ही हल्की बारिश होती है। बिविडोंग के हाव हाव भद्दे हो जाते हैं। उसने यह उम्मीद कभी नहीं की होती है कि तांगहाउ भी ऐसी पावर के साथ आ सकता है जो कि गॉड लेवल के पास की ही है। इससे बिविडोंग का कुछ ध्यान भटक जाता है और इस मौके को तांगसन ने पकड़ लिया होता है। अचानक गोल्डन ब्लड की बारिश के साथ राक्षसा स्किथ को अपने चेस्ट से खींच लिया। तभी राक्षसा स्किथ में विस्फोट होता है जो सीधे ही 9 जायंट सिकल्स में बदल जाती है। तांगसन के हाथों में विस्फोट होता है जिससे तांगसन के हाथ उन 9 डेविल्स ब्लेड्स के कारण कट गए होते हैं। सी गॉड रेमेंट्स आर्म गार्ड भी टुकड़ों में बदल गए जो चारों ओर फैल रहे होते हैं। असल में सी गॉड ट्वाइलाइट्स को लॉन्च करने में तांगसन की सोल पावर बहुत ही अधिक कमजोर हो चुकी होती है। यह वही अटैक है जो कि क्यान रेनुक्स पर किया हुआ था और तुरंत ही बिविडोंग के इस अटैक को नहीं रोक सकता है। सौभाग्य से तांगसन उसके डिवाइन सेंस से ट्राइडेंट को कंट्रोल कर सकता है, जिससे उसका यूज तांगसन ने ट्राइडेंट की स्विंग के साथ 9 सिकल्स को ब्लॉक करने के लिए मैनेज किया। तभी एक जाइंट स्वॉर्ड ने आसमान को भी भर दिया होता है। यह चैन सेन की स्वॉर्ड यूनिटी होती है। वॉन ड्रैगन की बैक से छलांग लगाते हुए सीधे ही बिविडोंग की ओर आए होते हैं। अभी स्वॉर्ड अंकल की आंखों में मरने की इच्छा भर गई होती है। वह एक प्रकार से सब कुछ भूल गए होते हैं। इसी के साथ बॉन अंकल ने भी सीधे ही बिविडोंग पर अटैक किया। बॉन से घातक येलो लाइट निकल रही होती है। यह दोनों ही जानते हैं यदि आज तांगसन नहीं रहा तो कल कोई हेवन ड्यू एम्पायर में नहीं बच सकेगा। इसी के साथ बिविडोंग का चेहरा फ्लैश होता है। कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई। तांगसन भी दहाड़ उठा सामने आता है। देखने में लगा कि अभी उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ में विस्फोट होता है। फ्लैशी गोल्डन लाइट की दो रे सीधे ही बिविडोंग की ओर शूट की जाती हैं। बिविडोंग यह देखते ही घबरा सी जाती है क्योंकि वह पहले भी इसका स्वाद चख चुकी है। बिविडोंग अंदर ही अंदर रो पड़ती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है तांगसन ऐसा कुछ करेगा, लेकिन जो भी इस बीच हुआ तांगसन के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। वह 9 डेविल सिकल्स स्वॉर्ड अंकल और बोन अंकल से जाकर मिलते हैं। दोनों के टकराने के साथ अनगिनत घातक येलो बोन बीच हवा में बिखर गई और स्वॉर्ड अंकल की सोल स्वॉर्ड भी टूट जाती है। और इसी के साथ 2 महान ग्रैंड सोलैंड मास्टर बिना एक दूसरे का इंतजार किए हुए ही बीच हवा में तुरंत ही चले जाते हैं। यही एक भयानक अंतर है गॉड और ह्यूमन के बीच, जो किसी खाई से कम नहीं है। इसी समय दीवार पर साउबू रोंग रोंग ऑस्कर पहुंचते हैं। उन्हें काफी देर बाद इस फाइट की जानकारी मिली होती है। जब साउबू चिल्ला रही होती है तब तक तांगसन और बिविडोंग की फाइट अपनी लास्ट स्टेप में आ गई होती है। स्वॉर्ड और बोन अंकल मारे गए। भले ही वह बिविडोंग को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन उन्होंने तांगसन को बचने के लायक समय दे दिया होता है और बिविडोंग को नहीं लगा था तांगसन के पास अब भी किसी अटैक के लायक पावर होती है। और इसी कारण से बिविडोंग तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में लगभग भूल गई होती है। इनहेरिटेंस के साथ तांगसन की सोल पावर और लगभग सभी पावर सी गॉड की डिवाइन पावर के साथ मिलकर सी गॉड की पावर बन गई, लेकिन तांगसन की मेंटल पावर अभी भी तांगसन की ही थी। तांगसन जब गॉड नहीं था तब भी उसकी मेंटल स्ट्रेंथ किसी 99 रैंक के सोल मास्टर को घायल करने के लिए पर्याप्त होती है। और तांगसन के मेंटल अटैक के कारण से बिविडोंग की हालत खराब हो जाती है। बिविडोंग की बॉडी पीछे की ओर फ्लाई कर रही होती है। बॉडी वॉयलेंट तरीके से कांप रही होती है। यहाँ तक कि राक्षसा रेमेंट्स भी नहीं रहे। पर्पल लाइट गायब हो जाती है। तभी सिर से अचानक पर्पल लाइट फूट पड़ती है। चीखती चिल्लाती बेहोशी की तरह पीछे उड़ गई। उसके सिर से पर्पल कलर का ब्लड बह रहा होता है। तांगसन की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती है। तांगसन भी बुरी तरह से घायल होता है।
अचानक हुई इस झड़प से उसकी चेस्ट और बैक पर लगे घाव से गोल्डन ब्लड के दो एरो निकल गए। सी गॉड रेमेंट्स टूट कर लाइट में बदलते हुए बिखर गईं। यहाँ तक कि ट्राइडेंट भी लाइट की स्ट्रीम में बदल गया, जो सी गॉड मार्क में वापस चला जाता है। इसी के साथ सी गॉड मार्क से तेज गोल्डन लाइट इरप्ट होती है, जो एक बड़ी नदी की तरह बह रही होती है। तांसन के चारों ओर की लाइट कम हो गई। तांसन अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, इसी के साथ जियलिंग पास की ओर गिर रहा होता है। तभी पर्पल कलर की स्ट्रीम आखिर में बीबीडोंग के माथे में वापस आ जाती है। अपनी आंखें खोलते हुए फोर्सफुली अपनी बॉडी को मूव किया। तेज रोने की आवाज के साथ तांसन की तरफ स्पेस से शैडो के रूप में एक क्लॉ सूट होता हुआ दिखाई दिया। तांसन पकड़ा गया। इसी के साथ वह तांसन के लेफ्ट चेस्ट की ओर स्लैश लगाता है। तभी एक गोल्डन हार्ट हवा में दिखाई दिया, जिसे पर्पल डीमोन के क्लॉ में फंसाकर रखा हुआ होता है। नीचे से साउबू रोंग रोंग ऑस्कर ग्रैंड मास्टर तांगहाउ, यहाँ तक कि हुइलियाना जो क्यान रेनुक्स को पकड़े हुई होती है, वह सभी जोर से चिल्लाते हुए रोते हैं। रेनुक्स भी अब तक होश में आ जाती है। तांसन की बॉडी भयानक रूप से बिगड़ चुकी होती है। उसका हार्ट पहले ही चारों ओर घूमने वाले लाइट में बदल चुका था। ऑस्कर माहुंगजुम के ब्लड से बने सॉसेज को तेजी से खाते हुए गहरे शौक में होता है। फिर भी हवा में उड़ते हुए तांसन की कटी फटी बॉडी को हवा में पकड़ लिया होता है। बीबीडोंग भी अनकंट्रोलेबल रूप से लहरा रही होती है। उसके चेहरे से अभी तांसन के मेंटल अटैक के कारण खून बह रहा होता है। एक बर्फीली ठंडी आवाज ने आसमान को भर दिया। हेवन ड्यू एम्पायर के लोग, मुझे अच्छे से सुनो। मैं तुम्हें तैयार होने के लिए 3 दिन देती हूँ। 3 दिनों में बिना शर्त के सरेंडर करो, या फिर हेवन ड्यू एम्पायर के ब्लड को साफ कर दूंगी। ग्रैंड मास्टर से जियो गैंग समझा लेना, 3 दिन है। बोलने के साथ एक ईविल हंसी देते हुए पर्पल क्लाउड बनता है। क्यान रेनुक्स और हुइलियाना के साथ गायब हो जाती है। यह पूरी ही फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलती है, लेकिन नतीजों ने दोनों ही साइड को झकझोर कर रख दिया होता है। हेवन ड्यू एम्पायर की स्थिति कुछ ही समय में पलट गई होती है। भले ही इनकी तरफ से 3 लोग मारे गए, लेकिन अब बीबीडोंग को रोकने वाला और कोई नहीं है। ऑस्कर तांसन के साथ उतरता है। साउबू और रोंग रोंग तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं। तांगहाउ भी दीवार पर लौट आता है। हर कोई तांसन के पास इकट्ठा हो जाता है। साउबू ने चिल्लाते हुए खुद को तांसन के पास फेंक दिया होता है। तांसन की चोटें भयानक थीं। तांसन की चेस्ट पर लेफ्ट साइड में बड़ा होल था, लेकिन उससे भी ज़्यादा राइट साइड में 15 सेंटीमीटर के डायमीटर का होल होता है। गोल्डन फ्लैश, बोन, सभी कुछ हवा में दिखाई दे रहे होते हैं। जिंदा रहने की तो सोचो मत। तांसन की बॉडी पहले से ही बर्फीली हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है। सुई वांग घुटनों पर होता है। ग्रैंड मास्टर भी चौंक गए। कुछ ही देर पहले उनका बेटा सी गॉड था, और अब वह एक आइसी कोल्ड बॉडी है। इसे कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा होता है। चीफ निंगफिंग जी भी लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ पास के बाहर निकलकर बॉन और स्वॉर्ड अंकलों की बॉडी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि नामुमकिन ही होता है। वहां साउबू रोते हुए कह रही होती है, तुम मुझे इस तरह से कैसे छोड़ सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो। साउबू जब तक रोती रही, जब तक उसकी आवाज़ बदल नहीं गई। लेकिन एक तांसन है जो उसे कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। शाओबू चिल्ला रही होती है, तुमने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था। तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे भव्य शादी करोगे। तुमने अभी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है। तुम कैसे जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो। अब उठ भी जाओ, मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी, बस तुम उठ जाओ। ऑस्कर की आँखों से गालों तक लंबे लंबे आंसू आ रहे होते हैं और कहता है, लिटिल सन, तुम नहीं जा सकते हो। क्या हमने नहीं कहा था युद्ध खत्म होने के बाद हम सिरेक सेवंस डेवल्स पूरे कॉन्टिनेंट की यात्रा करेंगे। अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहां हम नहीं गए हैं। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था उत्तर में जहां से मैं आया हूं वहां जाना है। जल्दी करो, उठो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। ग्रैंड मास्टर के चेहरे का रंग भी उड़ चुका होता है और घुटनों पर गिर जाते हैं और खुद से कहते हैं, क्या वास्तव में मैं दूसरों के लिए अभिशाप हूँ। मेरे करीबी पीड़ित होते हैं। इसके अपवाद में कोई गॉड भी नहीं बच सका। यह सब मेरी गलती है, लिटिल सन,
तुम्हें मुझे पिता के रूप में नहीं देखना चाहिए था, मुझे मरना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। तांग हाओ पूरी भीड़ को धक्का देते हुए आता है। केवल वही होता है जिसने आंसू नहीं बहाए, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से लाल होती हैं और तांगसन से कहता है, लिटिल सन, क्या तुम्हें याद है होली स्प्रिट ब्लेज, मैं हर दिन नशे में होता था और तुम मेरी देखभाल करते थे। तुम एक अच्छे बेटे हो, लेकिन मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। आज यहाँ सब कुछ मेरी वजह से है। मैंने पिता के रूप में अपने जिम्मेवारियों को कभी पूरा नहीं किया। इतनी तेज मत चलो, पापा का इंतजार करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे साथ रहूँगा। और तेजी से घूमते हुए दूर जाता है। तभी ऑस्कर तांगहाऊ को पकड़ लेता है। अभी भी सॉसेज का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ और यह एक के बाद एक तांगसन के साथ जाने का फैसला करते हैं। सुई बांग भी अपनी स्वाड को निकालते हुए मार्शल जी लोंग से कहता है, मार्शल जी लोंग, मैं जियलिंग पास को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। 3 दिनों में हमारे हेवनड्यू एम्पायर के सैनिकों को वुहान एम्पायर के सामने सरेंडर करने के लिए लीडरशिप करोगे, जिससे वह विरोध न कर सकें, जिसे मार्शल जी लोंग रोकते हैं। तब सुई बांग दहाड़ते हुए कहता है, यह हमारा शाही फरमान है। इसी के साथ सुई बांग के साथ सभी सैनिक भी एक साथ हो जाते हैं और कहते हैं, हेवनड्यू एम्पायर में कोई भी कायर सैनिक नहीं है। सुई बांग भी तांगसन के साथ जाने का फैसला करता है और जिसका साथ सभी सैनिक भी देते हैं। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।